वेलकम ऑन माई चैनल, मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा OTT केबल टीवी और DTH के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा क्या DTH और केबल टीवी का ज़माना ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी के टाइम पे OTT इन सब पे राज करना शुरू कर दिया है। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूं, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से OTT सब्सक्राइबरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में, इवन वर्ल्ड में OTT के सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। जहां तक अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा OTT यहां ऐप अगर प्रचलित हुआ है वो नेटफ्लिक्स। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नेटफ्लिक्स ऐप पे को देखा गया है, और मिनिमम जो एवरेज है 80 मिनट्स मिनिमम देखा जाता है एक दिन में एक इंसान, ऐसा एक एवरेज रिपोर्ट आया है। साथ ही दोस्तों बता दो, DTH और केबल टीवी पे आपको जो सैटेलाइट चैनल्स है और लोकल चैनल्स है वही दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आप DTH या केबल टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो आप अपने घर पे ही बैठ के देख सकते हैं। अगर OTT के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप TV में भी देख सकते हैं, इवन मोबाइल में भी देख सकते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए देख सकते हैं, मतलब कहीं भी आप जाके आराम से जब आपको टाइम मिलता है तब आप देख सकते हैं। केबल TV DTH में जो जिस टाइम पे जो प्रोग्राम आना है उसी टाइम पे आएगा, लेकिन OTT में ऑन डिमांड फैसिलिटी होता है जिसके ज़रिए उसकी लगातार लोगों में उसको यूज करने की, उसे इस्तेमाल करने की जो लोकप्रिय है बढ़ते ही जा रहा है। जिस वजह से DTH और केबल TV को थोड़ा झटका ज़रूर लग रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे OTT इन दोनों को पछाड़ के नंबर वन बन सकता है। हालांकि OTT को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट कंजम्पशन की ज़्यादा की ज़रूरत है। अगर डेटा लगातार सस्ते अगर मिलते गए तो OTT एक दिन DTH और केबल TV पे भारी हो सकता है। और साथ ही दोस्तों बता दो, OTT के प्रचलन आने से लोग अब अपने टाइम को बचाने के लिए ट्रैवलिंग में भी अपने फेवरेट कंटेंट देख रहे हैं, या जो कंटेंट वो देखना चाहते हैं उसी कंटेंट को सब्सक्रिप्शन लेते हैं और एंजॉय करते हैं। केबल TV और DTH भी आज के टाइम पे इतना महंगा हो गया है कि लोग उतने सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं, उतने एक्सपेंसेस नहीं खर्च करना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो आज भी केबल TV DTH एक सोची समझी अगर जाए तो एक सस्ता ही है, और साथ ही यहाँ पे है आपको यूजर फ्रेंडली भी है एज़ कम्पेयर टू OTT। OTT उन लोगों के लिए बेटर है जिनके पास रिसोर्सेज है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इवन मोबाइल यूज़ करते हैं, और उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज अच्छी है। और ग्रामीण और विलेज एरिया के लिए आज भी DTH और केबल TV इज़ बेस्ट सर्विस, क्योंकि वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा ये नहीं करते हैं, तो एक TV से ही एक फैमिली का काम चल जाता है। तो एक रिपोर्ट आ रही थी कि OTT आने वाले टाइम पे केबल TV DTH पे भारी पड़ सकता है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।